सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी। मैं सुरभी। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियलटर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदन अते वेचन दे लई तुसी स्क्रीन ते दिते नंबरां राही इन्हां नूं संपर्क कर सकते हो। पेश हन जी देश विदेश दीआं कुछ चोरवें खबरां। कैनेडा ने इस साल हुण तक 595 भारतीयां दीआं स्टडी परमिट अर्जियां कीतीआं रद्द। लैब च बनाया गया सी कोरोना, चीन ने हथियार वजो वरत्या। देश भर च श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया ईद का त्यौहार, मोदी ने भी दी वधाई। अगले 5 दिन पंजाब सने इन्हां राज्यां च पवेगा मीह, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राहुल गांधी हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिन दौरे के लिए रवाना। बच्चों ते हथियारबंद संघर्ष के प्रभाव बारे संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट चो भारत का नाम हटाया। सांझे सिविल कोड की हिमायत नित्री आप। चंद्रशेखर के हमले च वर्ती कार जब्त, 4 व्यक्ति हिरासत में ले गए। हुण खबरां विस्तार दे नाल। इमीग्रेशन रिफ्यूजिज एंड सिटीजनशिप कैनेडा के आंकड़े अनुसार भारत तो कुल 7528 स्टडी परमिट अर्जिया कैनेडियन अधिकारियों ने जनवरी 2018 तो मई 2023 दरमियान रद्द किया है। अजिहा इन्हां अर्जिया के फर्जी होने के सबूत मिलन बाद किया गया सी। इस साल 31 मई तक भारतीय विद्यार्थियों दिया कुल अर्जिया के 595 नामंजूरी दी गई है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के खोजी ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। खोजी ने कहा है कि इस वायरस को चीन ने बायो हथियार वजो तैयार किया। उसने भी कहा कि उसके नाल काम करने वालों वायरस के 4 स्ट्रेनों नाल संक्रमित किया गया सी, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना सी कि केड़ा तेजी के नाल फैल सकता है। सनसनीखेज दावा करने वाले वुहान के इस रिसर्च का नाम चाओ शाओ है। शाओ ने यह हैरान करने वाले खुलासा इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन के मैंबर जैनिफर जेंग ने दिए इंटरव्यू के विच किया। दस दिए कि जेंग ने चीन और चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी बारे जानकारी प्रदान करने वाले वजो जाने जाता है। चाओ शाओ ने 26 मिनट के लंबे इंटरव्यू च कोरोना वायरस बारे कई होर हैरान करने वाली गल्लां भी दसियां हन। उन्होंने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक होर खोजकर्ता शान चाओ ने मनिया कि उन्होंने सीनियर ने उन्होंने कोरोना वायरस के 4 वेरियंट दिते सन। इस जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि इन्हों के सब तो वधिया है, किहड़ा स्ट्रेन वध तो वध जातियां संक्रमित कर सकता है। यह भी पता लगाया गया कि इस नाल मनुख सने होर नस्लों संक्रमित करना किन्ना सौखा होगा। देश भर के ईद उल अजहा यानी कि बकर ईद बहुत श्रद्धा और उत्साह के नाल मनाई गई। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों नूं वधाई दिती अते कामना की कि यह त्यौहार समाज में एकता और सद्भावना बनाई रखे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के विच कहा कि ईद उल अजहा दीआं शुभकामनावां, यह दिन सारिआं दे लई खुशियां और खुशहाली लैके आवे, इस नूं साडे समाज में एकता और सद्भावना भी बनाई रखे। ईद मुबारक। भारत के 80% तो वध खेतर नूं मानसून ने कवर कर लिया है। मौसम विभाग वालों अगले 24 घंटिया दे विच देश दे 24 सूबिया दे विच दरमियानी तो भारी बारिश की भविखबाणी की गई है। गुजरात अते पंजाब वर्गे राज्यों विच मानसून अगे वधिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक भारत के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी अते पश्चिम दे विच मानसून की बारिश होगी। इस दौरान यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश दे विच भी भारी मीह देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 28, 29 ते 30 जून मीह पैण की भविखबाणी की है। इस तों इलावा राजधानी दिल्ली दे विच भी मौनसून का असर देखने को मिल रहा है। इस तों इलावा मौसम विभाग अनुसार दक्षणी भारत अते उत्तर पूर्व के राज्यों के विच मौनसून की बारिश होगी। IMD ने भविखबाणी की है कि 29 जून तो उत्तर प्रदेश में मौनसून का प्रभाव अपने सिखर से होगा और पूरे सूबे के 1 जुलाई तक भारी मीह पैण की संभावना है। दस दिए कि मौसम विभाग अनुसार 2 और 3 जुलाई में भी राज्य के कुछ हिस्सों के विच हल्की तो दरमियानी बारिश होने की संभावना है। इस तो इलावा मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी विच मीह पैण की संभावना भी जताई है। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी मणिपुर के अपने 2 दिन के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। उस सूबे के राहत कैंपा च जाति हिंसा कारण बेघर हुए लोगों को मिलेंगे और नागरिक संगठनों नाल गलबात भी करेंगे। 3 मई को मणिपुर च हिंसा भड़कन तो बाद कांग्रेस नेता का उत्तर पूर्वी राज का यह पहला दौरा है। इंफाल पहुंचने तो बाद राहुल गांधी चूरा चंदपुर जिले के लिए रवाना होंगे, जिथे वह राहत कैंपा का दौरा करेंगे। इस तो बाद बिश्नुपुर जिले के मोईरांग जाएंगे और उजाड़े गए लोगों नाल गलबात करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र दे सकत्तर जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा दिली सरकार वालों चुके कदमों का हवाला दिंदिया बच्चों के हथियारबंद संघर्ष के प्रभाव बारे अपनी सालाना रिपोर्ट विचों भारत का नाम हटा दिता है। गुटेरेस ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट विच कहा सी कि वह अपने विशेष प्रतिनिधि नाल भारत सरकार की शमूलियत का स्वागत करते हैं और भविख विच रिपोर्ट विचों भारत का नाम हटाया जा सकता है। सांझे सिविल कोड बारे भाजपा ते कांग्रेस विच जारी तकरार दरमियान आम आदमी पार्टी ने इस कोड की सिद्धांतक हमायत का ऐलान किया है। आप दे कौमी जनरल सकत्तर डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि वह सिद्धांतक तौर पर सांझे सिविल कोड की हमायत करते हैं। उन्होंने भी कहा कि कोड नू सियासी पार्टियां ते गैर सियासी तीरां सने सारे संबंधित भाईवाला नू व्यापक विचार चर्चा तो बाद सर्वसम्मति नाल लियांदा जाना चाहिए। आपने हिमायत का ऐलान अजिहे मौके किया जो अजे एक दिन पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांझे सिविल कोड नू पूरे देश विच लागू करन दी जोरदार वकालत कर दिया। ये कहा सी कि एक देश विच दो कानून नहीं हो सकते। उंज अरविंद केजरीवाल की अगवाई वाली पार्टी जो दिल्ली ते पंजाब दे सत्ता ते काबज है दे उपरोक्त स्टैंड तो एक गल तो साफ हो गई है कि विरोधी धिरां वल्लों 2024 दीआं लोकसभा चोणां दे विच भाजपा दे टाकरे दे लई एकजुट होण लई कीते जा रहे यतनां दरमियान उह सियासी तौर ते संवेदनशील मुद्दे नूं लै के एकमत नहीं हन। सहारनपुर पुलिस ने चिट्टे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार नू जब्त कर लिया है जिसकी वरतों हमलावारा ने भीम आर्मी दे मुखी चंद्र शेखर दे गोलीबारी करन दे लई कीती सी। कार हरियाणा दे रजिस्ट्रेशन नंबर है अते मालक दा नाम विकास कुमार है। पुलिस ने भी कहा है कि होर वेरवे देन तो इनकार कर दिता कि जांच जारी है। इस दौरान चार व्यक्तियों नू हिरासत विच लिया गया है अते घटना संबंधी पुछ पड़ताल की जा रही है। चंद्र शेखर अस्पताल दे विच हन अते उन्हां दी हालत विच सुधार दस्सिया जा रहा। उन्होंने शुक्रवार छुट्टी मिलने की संभावना भी है। एक वीडियो संदेश विच उसने अपने समर्थकों नू शांति बनाई रखने की अपील की है अते कहा कि वह कानूनी अते संविधानिक तौर पर लड़ाई लड़नगे। कांग्रेस ने भारत अमरीका ड्रोन सौदे विच पारदर्शिता की मांग की अते कथित दोष लगाया कि 31 MQ-9B प्रीडेटर UAV ड्रोन वध कीमत खरीदे जा रहे हैं। कांग्रेस के तर्जमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा कि कौमी सुरक्षा सब तो उपर है अते प्रीडेटर ड्रोन सौदे ते कई शक जताए जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार कौमी हितों नू खतरे विच पाउण दे लई जानी जाती है अते भारत के लोगों नू राफल सौदे विच भी यही देखिया सी कि जिस विच 126 दी बजाय सिर्फ 36 राफल जेट खरीदे गए। असी देखिया कि किवें HAL नू तकनीक ट्रांसफर करन तो इनकार कर दिता गया। असी ये भी देखिया कि रक्षा प्राप्ति कमेटी अते हथियारबंद बलों के वड्डे पद्धर ते इंतराजा के बावजूद भी एक पासड़ फैसले ले गए। राफल घोटाला फ्रांस विच हाले भी जांच दे घेरे विच हन। पवन खेड़ा ने आख्या कि असी इस प्रीडेटर ड्रोन सौदे च पूरी पारदर्शिता की मांग करते हाँ। भारत नू अहम सवालों के जवाब चाहिए हैं नहीं तो असी मोदी सरकार दे एक होर घोटाले विच फस जावांगे। पंजाब सरकार ने गोवा के भी समुद्र के नाल लगती करोड़ों रुपए की बहुकीमती जमीन की लीज रद्द करने का फैसला किया जी एक 5-तारा होटल कंपनी को दी गई है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सी तो उदो गोवा की इस जमीन नू लीज़ देने लई टेंडर किए गए सन। करोड़ों रुपए की जमीन की लीज कोडिया के पा हुई इस नाल खजाने नू चूना लग्या है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज उच्च अफसरां नू हुक्म जारी कर दिते हन कि टेंडर हासिल करन वाली कंपनी की लीज दे टेंडरां नू रद्द करन दी प्रक्रिया शुरू की जाए। पंजाब सरकार हुण नवे सिरिओं टेंडर करेगी। पंजाब हैरीटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया जरिए गोवा दे विचली प्रॉपर्टी लीज दे दित्ती सी जो कि सैर सपाटा विभाग की संपत्ति है। सूबा सरकार ने उदो 8 एकड़ प्रमुख जमीन नू 15 वरिया दे लई सिर्फ 1,13,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब के नाल अलॉट किया से। मुख्यमंत्री ने प्राइवेट कंपनी नू नोटिस देने दे लई कहा अते पंजाब सरकार ने चर्चा की कि ए लीज राशि काफ़ी घट है अते टेंडर प्रक्रिया दे विच तकनीकी खामियां भी लभियां हन। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार अते स्रोतों तो ज़्यादा आमदन दे मामलों की जांच का दायरा कांग्रेस अते भारतीय जनता पार्टी के नेतावां तो अकाली दल के आगुआ तक वधा दिता है। विजिलेंस ब्यूरो के एक सीनियर अधिकारी ने खुलासा किया कि ब्यूरो वालों अकाली दल नाल संबंधित अजिहे 6 तों वध सियासतदानों के खिलाफ भ्रष्टाचार अते स्रोतों तो ज़्यादा आमदन के मामलों की जांच आरंभी गई है जो सूबे दे विच अकाली भाजपा सरकार के समय मंत्री मुख्य संसदीय सकत्तर अते विधायक रहे।
हैं। विजिलेंस वालों अकाली आगुआं नूं भी तलब करन दी तैयारी की जा रही है। विजिलेंस अधिकारियों का दसना है कि पिछले कई महीनों तो ब्यूरो ने अकाली भाजपा सरकार के समय विभागों में हुए कपलियां और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों की पुष्टि के लिए DSP और SP पद्धर के अधिकारियों तो मुढ़लियां तत्थ खोज रिपोर्टा तैयार करवाई गई हैं। इन रिपोर्टा के आधार से ही विजिलेंस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। श्रोमणी अकाली दल ने देश भर में सांझा सिविल कोड लागू करने को खतरनाक दसिया है और कहा है कि इसके लागू होने नाल देश विच घट गिनतियां ते कबायली भाईचारियां ते मारू असर पाएगा। सीनियर अकाली आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा सारे देश विच सांझा सिविल कोड लागू करने का विरोध किया है अते ओ 22वें कानून कमीशन कोल अते संसद विच भी अपने इतराज रखेंगे। उन्होंने भी कहा कि पार्टी का मानना है कि देश विच सिविल कानून वक् वक् धर्मां ते विश्वास धारणा जाति ते रवायतां अनुसार प्रभावित होंदे हन ते इह वक् वक् धर्मां दे विच वक् वक् होंदे हन। अकाली आगू ने भी कहा कि इन्हां धारणावां दी समाजिक ढांचे दे नाल अनेकता दे विच एकता दे विच अनुसार राखी की जानी चाहिए है। उन्होंने अगे कहा कि सानू इस तथ्य का भी ख्याल रखना चाहिए है कि संविधान काड़िया के सांझे सिविल कोड को मौलिक अधिकार का रुतबा नहीं दिता। इस सांझी सूची में रखा गया तो यह सरकार के लिए निर्देश सिद्धांतों का हिस्सा है। इस विच तब्दीली करना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इस नाल समाज दे विच वखरेवे पैदा होंगे। डॉक्टर चीमा ने अगे कहा कि इस तो इलावा घट गिनती फिरकिया तो कबायली समाज जिन्हां दे अपने निजी कानून हैं सब तो वध प्रभावित होंगे। भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के मैचों की मेजबानी चो मोहाली के क्रिकेट स्टेडियम में शामिल ना किए जाने के मामले से सियासत पक गई है। कांग्रेस के सीनियर आगू ते विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इतने आप सरकार ते मोहाली स्टेडियम को मेजबानी तो बाहर रखने का दोष लगाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों 2023 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाले शहरों में मोहाली नूं शामिल नहीं किया गया। इस तरह कांग्रेसी आगू मनीष तिवाड़ी ने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड नूं घेरदिया मोहाली स्टेडियम मैचों की मेजबानी तो बाहर रखे जाने का कारण पूछा है। जानकारी अनुसार कल कौमांतरी क्रिकेट कौंसल और BCCI ने विश्व कप के मैचों की सूची जारी की है जिस मगरों विरोधी धिर के कुछ आगुआ वालों सियासी वितकरा किए जा का दोष लाद्या सवाल किया है कि होरना थावां के मुकाबले सब तो वध मैच अहमदाबाद के स्टेडियम में क्यों दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार इस मेजबानी के लिए भारत में हैदराबाद अहमदाबाद धर्मशाला दिल्ली चेन्नई लखनऊ पुणे बेंगलोर मुंबई के कोलकाता शहरों में शामिल किया गया है। इत्थे हुई विश्व सिख एकत्रता विच गुरमत्ते राही सांझा फैसला लिया गया अते गुरमत्ते दे विच कहा गया कि श्री अकाल तख्त साहिब दी सेवा संभाल लई एक निष्काम अते खुद मुख्तियार जत्था सिरजिया जावे जो श्री अकाल तख्त साहिब दी सेवा संभाल गुरमत्ता संस्था मुताबिक करे। मीरी पीरी दे दिहाड़े मौके इत्थे विश्व सिख एकत्रता हुई जिस विच वड्डी गिनती संप्रदावां जत्थियां अते संस्थावां दे नुमाइंदियां ने शमूलियत कीती। इस मौके पंथ रवायत नूं सुरजित करन दा यत्न भी किया गया। ये एकत्रता सदन वालिया शख्सियतों ने सांझे तौर पर गुरमत्ते की आरंभता की अरदास की। उस उपरांत उन्होंने साखी की जिम्मेवारी निभाउंदिया हाजिर जत्थियां ते संस्थावां दे नुमाइंदियां विचों पंथक रवायत अनुसार पंज सिंघां दी चोण की। साखी सिंघां ने एक एक करके पंज सिंघां दे नाम ले ते उन्हां बारे संगत कोलों इतराज़ मंगे। इंज विश्व सिख एकत्रता दौरान सारे जत्थियां दे विचार सुन के गुरमत्ता सोधन की शुरुआत इन्हां पंज सिंघां वल्लों की गई। श्रोमणी कमेटी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब वालों स्थापित मीरी पीरी दिवस श्री अकाल तख्त विखे श्रद्धा के नाल मनाया गया। इस मौके श्री अखंड पाठ के भोग मगरों हजूरी रागी जत्थे ने गुरबाणी का कीर्तन किया। गुरु साहिब ने जिथे सिखा शस्त्रधारी होने का आदेश किया उत्थे ही संगत को चंगी नसल के घोड़े और शस्त्र भेट करने लिए आख्या सी। इसका मंतव जुल्म विरुद्ध लामबंध करना सी। सिख और शस्त्र कदे वक् नहीं हो सकते जिस तहत हर सिख अमृतधारी होकर पंज ककारी रहने की धारनी बने। आप सरकार ने वित्तीय संकट तो आरजी राहत लई हुन GST मुआवजे के करोड़ों रुपए के बकाए ते टेक लाई है। पंजाब सरकार नू उम्मीद है कि जे केंद्र सरकार GST मुआवजे के पुराने बकाया का मामला हल कर दिंदी है तो इस नाल पंजाब नू 5000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मौजूदा समय सूबा सरकार वित्तीय वसीलिया की कमी नाल जूझ रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिल्ली विच इस बारे मीटिंगां कीतियां हन ता जो GST मुआवजे के पुराने बकाए का हिसाब किताब सिरे लाया जा सके।
है। पंजाब सरकार हुण पिछली सरकार दे समय 2017-18 तो 2021-22 तक दे करीब 5,000 करोड़ रुपए दे बकाया GST मुआवजे दा केंद्र सरकार नाल निपटारा करन दे विच जुटी हुई है। सूबा सरकार दा मनना है कि जे केंद्र सरकार इस राशि दा निपटारा कर दिंदी है तां सूबे दी वित्तीय हालत दुरुस्त हो सकती है। पंजाब सरकार दा दावा है कि पंजाब दा केंद्र वल अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए दा बकाया है, जदकि केंद्र सरकार इस नूं 3,000 करोड़ दस रही है। करीब 2,000 करोड़ दा पाड़ा सामने आ रहा है। विद्यार्थियों के सर्वपक्षी विकास को यकीनी बनाने के लिए स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों सूबे के सारे सरकारी स्कूलों समय समय से वक्-वक् गतिविधियां की जाती हैं। इसे तहत सिक्ख्या विभाग वालों 3 से 15 जुलाई तक सारे सरकारी स्कूलों समर कैंप लगाने का फैसला किया गया। दस दिए कि पंजाब च सरकार बदलन तो बाद पहली बार छुट्टियां खत्म होते ही समर कैंप लगाए जा रहे हैं। इन्हां समर कैंपा के प्री प्राइमरी तो लैके 8वीं क्लास तक के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। समर कैंप का समा सवेरे 8 से 11:30 तक होगा। बाद विद्यार्थियों छुट्टी रहेगी पर स्कूल स्टाफ स्कूल च हाजिर रहेगा। विभाग वालों इस संबंधी सारे जिला सिक्ख्या अधिकारियों सारे डायट प्रिंसीपल्स और स्कूल मुखिया एक पत्र जारी करके कैंप के सफल और असरदार प्रोग्राम के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें यह भी कहा गया है कि कैंप का समा हद मुताबिक सारे स्कूल मुखी निर्धारित गतिविधियां असरदार ढंग करवा यकीनी बनाएंगे। रोजाना करवाइया जाने वाली गतिविधियां का वेरवा PDF और लिंक के रूप के मुख्य दफ्तर साझा किया जाएगा। समर कैंप की सारे स्कूलों के संचालन का संपूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला सिक्ख्या अधिकारी की होगी। ये सी देश विदेश दिन कुछ खास खबर होर खबर के जुड़े रहने के लिए तुम बने रहो पंजाब मिल USA TV के।